पानी को पिसाई की तरह, तालों में ताल भूपाल ताल और सब तलैया है और आनंद में पद्मावती और सब गधैया है। उत्तराखंड की भांग आती है हमारे पास में 1000 रुपए किलो की, उस भांग को छानते है 24 घंटे में जा देती हूँ। ये है ब्रजवासी, सुबह उठते ही उनको कचौड़ी दिखने लगती है, कचौड़ी से मंजन करते हैं और साग से कुल्ले करते हैं। 30 में ब्याह है। ओ मोटा भाई, ए जोई ले। हाँ बेटा बोलो, और क्या लोगे? राधे राधे अंकल जी। राधा रानी की जय। बेटा कहाँ से आए हो? आगरा से आ गए जी। क्या कहने बेटे, हमारे तो श्यामा जी को राज, तो बाकी बिना कुछ ना है। अंकल जी मैंने सुना है आपके यहाँ हर शहर का स्वाद है। नहीं बेटे, हर शहर का स्वाद तो देखो बिहारी जी और ये नेताजी का आशीर्वाद होगा तब हो पाएगा, और मुझे चाहिए काफी बड़ी जगह चाहिए। अच्छा, तब हर शहर का टेस्ट दे पाऊंगा। और छोटी सी जगह है, इसमें कहाँ से हर शहर का टेस्ट मिल जाएगा? अभी फिलहाल कुछ शहरों का तो है ही है। हाँ, एमपी का है, गुजरात का है, यूपी का है, 3 प्रांत का है। एमपी का क्या है अपने पास? एमपी का पोहा जलेबी। अच्छा, पोहा जलेबी। हाँ बेटे। गुजरात का फाफड़ा? गुजरात का फाफड़ा जलेबी ढोकला। ए हाथ धोई ना अपने हाथी, आप हाथ धोई ना अपने हाथी से बताओ, ब्रिज में अन्नदान था ले आऊं क्या? आवे तो जलेबी ढोई उस तक गरम ना बेटा। आरो आरो जलेबी है, जलेबा है? जलेबा बेटे, जलेबा। और कचौली 5 प्लेट बता रहे हैं आप? 3 हमने ली और दो भाई को दी, 5 हुई। सुना अंकल जी जलेबा खा के गाल लाल हो जाते हैं? हाँ बेटे, ये वही जलेबी है। वही जलेबी है? हाँ, जिसको लगातार 40 दिन खा ले और इसके ऊपर देसी गाय का दूध पी ले, तेरे गालों को लाल कर देगी। अठिया कितना? 100 ग्राम। बेटे यहाँ सुबह यमुना जी की आरती होती है 5 बजे, उस आरती में कन्हैया आता है, वो आशीर्वाद देके जाता है, उसी का ही टेस्ट बन रहा है। अच्छा। हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब उसी के हाथ में है। भोपाल से आप? ले बेटा ले। खा रहे हो आप? इस पानी को पी चाय की तरह, तालों में ताल भोपाल ताल और सब तलैया है और आनंद में पद्मावती और सब गधैया है। बेटा ये आयुर्वेदिक झोल है, इसमें कोई भी प्रदूषण का काम नहीं है, जितना भी पिएगा बॉडी में 4 चांद लगाएगा। ये 70 रुपए दे भैया। श्री राधा रानी की जय। देखो कचौड़ी फोड़ दी, देख इसका मसाला देख। देख मसाला फोड़ के स्वाद अलग आता है। देख टेस्ट कर, एक हफ्ते खराब नहीं होगी। मीठी वाली सब्जी लेगी? मीठी सब्जी रूप बहुत जमाए तुम्हारी, माने करा तो। नहीं, नहीं, बताओ, बताओ। ले बेटा सूखी सब्जियों से टेस्ट कर, ये आयुर्वेदिक धमाका बाद में लेना। ये सूखी सब्जी है, माने करा खाओ, खाओ सूखी सब्जी, माने करा तुम, आशीर्वाद दे करो। और बताना कैसा टेस्ट है? सूखी सब्जी पहले मिलती है, झोल बाद में? नहीं ऐसा है बेटे, ये तो बिल्कुल ही सुपर धमाका है। अच्छा, तो धमाके को बाद में दिया जाएगा ना, धमाका पहले ही हो जाएगा तो फिर हाँ बैंड बज जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके धमाका करना है ना। सूखी सब्जी टेस्ट की बेटा? कैसी लगी? अब जैसे चाय पीते हैं ना, ऐसे इस पानी को पी चाय की तरह। सिंगल सिंगल का दो सब्जी चाहिए तेरे को सफर के लिए? एक्स्ट्रा सब्जी हाँ बेटे, छोटी जलेबी का छोटा मजा। अच्छा। और मोटी जलेबी का मोटा मजा। ये है क्या है बेटे, ये जलेबा बोलते हैं इसको श्री यमुना जी और श्री जी बाबा को बहुत प्रिय है, ये दोनों श्री जी बाबा और यमुना जी को जलेबा बहुत प्रिय है। हाँ, ये तीखी मीठी अच्छी लागे तो बधारे नहीं ले जो। स्पेशल झोल बबलू बोल, क्या खवाओ? बेटे इतनी पावर कहाँ से आती है आपके? नहीं बेटे, उत्तराखंड की भांग आती है हमारे पास में 1000 रुपए किलो की, उस भांग को छानते हैं 24 घंटे में जा देती हूँ। कड़क सी नहीं, कड़क सी की स्वाद सी बढ़िया, तुम डराओगे हम तो वो डरेंगे। नहीं बताए कैसा स्वाद है आपको बताए? ये चार भेड़ी सब्जी पैक कर दे, और है ना चार दो आ रख दी।
ये है ब्रजवासी। अच्छा। सुबह उठते ही उनको कचौड़ी दिखने लगती है, कचौड़ी से मंजन करते हैं और साग से कुल्ले करते हैं। ऐसे गुजरात में गुजराती उठा उठते उसको फाफड़ा दिखने लगता है। बरोबर से ना? बरोबर से। गुजरात से आप? अच्छा है, अहमदाबाद से। ये सवाल थे वो फाफड़ा जलेबी जोई है। और ब्रजवासी को कचौड़ी चाहिए, कचौड़ी जलेबी चाहिए बेटा। क्या लेगी बेटा कचौड़ी? 30 रुपया प्लेट है उसे। 30 में ब्याह है। ओ मोटा भाई, ए जोई ले। ए तारा एकला माटे ओछी पड़ी जाया। अरबी करू? अरबी जलेबी बेटे देसी की है, वो केसर डली हुई है इसमें चकाचक। हाँ, और घी भी वो है नंबर एक का। सच बात है, एक महीने खा लो तो गल लाल हो जाते बेटे। वो तो देख इसका टेस्ट बताएगा तुझको, जरा एक टुकड़ा खा के देख तू बेटा। बेटा क्या कर रहा है? टेस्ट आनंद आ गया। जय हो। अब क्या जलेबी लगाऊं तेरे लिए? थोड़ी सी जलेबी लगाओ बेटा। वो एक देखिए दे दू पूरी भाई। पूरी मत दो, खाएगी नहीं। अकेले कम पड़ जाएगी, अकेले कम पड़ जाएगी। हाँ फाफड़ा जलेबी बेटे। फाफड़ा जलेबी थोड़ा रेट भी बताना बेटे। कचौड़ी है 30 रुपए प्लेट। 30 रुपए प्लेट, तीन सब्जियां साथ में। ये पोहा छोटी प्लेट 20 की, बड़ी 40 की। ये खम्बा ढोकला खत्म होने पे आ गया 200 रुपए किलो। ये फाफड़ा 400 रुपए किलो। जलेबी 460 रुपए किलो। ये तेल वाली पूरी 40 में 4, देसी घी वाली 60 में 4। अभी रूपा कचौड़ी वाला मथुरा द्वारकाधीश मंदिर के पास ही हूँ। यहाँ का जलेबा फाफड़ा और मिर्ची खा रहा हूँ। हर तरह का स्वाद है, एमपी का स्वाद है, गुजरात का स्वाद है, और भाई ब्रज का स्वाद तो स्पेशल है। यहाँ की कचौड़ी वो भी झोल के साथ। तो भाई हम ब्रजवासियों को कचौड़ी बड़ी प्रिय है। सुबह ही सुबह कचौड़ी मिल जाए वो भी झोल के साथ, आनंद ही अलग है। तो फिलहाल यहाँ पर ढोकला और जलेबी ट्राई कर रहा हूँ। ये झोल पी रहा हूँ, देखिए आयुर्वेद झोल। अच्छा मजा आ गया। आयुर्वेद झोल जितना भी पिएगा बॉडी में चार चांद लगाएगा। मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। लाल मिर्ची पर झोल है ही नहीं उसमें। लग ही रहा झोल पी रहा हूँ, काढ़ा पी रहा हूँ। यहाँ पर इनके यहाँ रूपा गुरु जी के यहाँ पर ये सब्जी है, कचौड़ी है, नाश्ता है, संसार में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ खाने के बाद में ऐसा लगता है कि और खाते जाइए। वृंदावन के दास है, ठाकुर जी के दास है ये रूपा गुरु। नहीं चेहरे पे इतना तेज है आपके कि खाने से ज्यादा चेहरे को देखते हैं लोग आपके। ये सब हमारे बिहारी गुरु जी की कृपा है प्यारे भाई। प्रेम की नगरी है ये, नगरी ही प्रेम की है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पंडित जी का झोल पीने के लिए? तो ये झोल ले लिया आप, देखो झोल पी के बताएंगे। देसी काढ़ा ए भैया ले, लाओ जी महाराज की जय।